मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। ये क्या रुचिता, अभी से भोग क्यों बना दिया? कथा में तो बहुत वक्त है, तब तक भोग बासी नहीं हो जाएगा। नहीं माँ, भोग तो मैं बाद में बनाऊंगी, ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया। ये अचानक सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी के लिए भोग क्यों बना रही हो? कोई खास बात है क्या? माँ, मैंने आज सुबह सपना देखा और सपने में डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं 5-6 महीने बाद माँ बन सकती हूँ। और माँ, डॉक्टर ने मुझसे ये भी कहा कि मेरे गोद में बहुत जल्द एक लड्डू गोपाल खेलेंगे, इसलिए मैं ये भोग चढ़ा रही थी। क्या हुआ माँ? नहीं, कुछ नहीं। मुझे पता है आप यही सोच रही हैं ना कि मैं फिर से झूठी उम्मीद लगा रही हूँ, जबकि डॉक्टर ने मुझसे साफ साफ कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ, यही सोच रही थी मैं। छोटी उम्मीद ही सही माँ, लेकिन मैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इसी से मेरे मन को सुकून मिलता है। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। मैं माँ जी के लिए कथा की साड़ी निकाल कर आती हूँ। माँ के हाव भाव से तो साफ पता चल रहा है कि माँ मुझसे झूठ बोल रही है, पर माँ और मैं माँ के मुंह से सच कैसे निकलवाऊं? क्या हे काटू श्याम जी, कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? प्लीज कोई तो चमत्कार कीजिए, कुछ तो कीजिए जिससे मेरा शक गलत हो जाए और माँ सही हो जाए। आपकी रिपोर्ट्स को मैंने बहुत डिटेल में स्टडी किया था और पूनम जी को दे दिया था। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि उन्होंने उन्होंने माँ को एक रिपोर्ट दी थी, मुझे उस रिपोर्ट को ढूंढनी होगी। माँ, मैंने आज सुबह सपना देखा और सपने में डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं 5-6 महीने बाद माँ बन सकती हूँ। स्टूल एक मिनट के लिए तो ये लगा कि जैसे ये रिपोर्ट रुचिता को मिल गई है। नहीं, अपनी प्रेगनेंसी का सच रुचिता को कभी नहीं पता चल सकता, कभी नहीं। मैं इसे चिल्ला जी, बिना जीने नहीं देंगी मुझे। उफ, सॉरी खाटू श्याम जी,
लेकिन सच जानने के लिए मुझे माँ के कमरे की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। कथा में पहनने के लिए मैंने तुम्हें एक साड़ी निकालने के लिए कहा था, लेकिन तुमने अभी तक मुझे साड़ी नहीं दी। अरे कथा का समय हो गया, जल्दी से साड़ी लेकर आओ। माँ जी वही तो निकाल रही थी मैं, आपने आवाज दी, मैं दौड़ी यहाँ पे आ गई, अभी ला रही हूँ। हाँ जल्दी लाओ, अभी ला रही हूँ। ये माचिस की तिल्लियां क्यों गिरी हैं यहाँ पे? क्या करूं मैं, कहाँ ढूंढूं, रिपोर्ट्स कहाँ रख सकती है माँ? खाटू श्याम जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। अभी तो 10:30 बज रहे, फिर इसमें 11 कैसे बज रहे? हो सकता है गलती से हो गया, मैं सही कर देती हूँ, और टेढ़ा भी हो गया ये। ये क्या है? ये तो उसी क्लिनिक की रिपोर्ट है। मतलब ये मेरी रिपोर्ट है। माँ इन्हें चला रही थी क्या? और ये रिपोर्ट माँ ने ऐसे घड़ी में छुपा के क्यों रखी थी?